अब सतयुग में तेज अग्नि में समा गया, वह तेज एक युग तक सुरक्षित रहा। दूसरी बात युग बीता है, क्या बात है ना, युग बीता बनी छाया सीता, वही वेदवती त्रेता में छाया सीता बनकर आई। युग बीता बनी छाया सीता, और सीता अगाने समाई, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। सीता जी को अग्नि में वास करा दिया। अग्नि की पत्नी स्वाहा के पास सीता जी जब चली गई तो जो अग्नि में वेदवती का तेज समाया था वो छाया के रूप में आ गया, अपने परमात्मा को पति रूप में पाने के लिए। लेकिन योग सीता बनी छाया सीता, सीता अग्नि समाई, और लीला में शामिल रही प्रभु की बन करके परछाई, बन करके परछाई। लेकिन संयोग देखिए, दूसरे युग में भी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकेंगे। पाना सकी प्रभु अपना पंतक, देख सकी ना वो सुखद सपन तक। जब लंका विजय करके लौटे, छाया सीता को पुनः अग्नि में भेज दिया, हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु मैं तो आपको पाने की इच्छा से आई थी, पर आपने पुनः मुझे छोड़ दिया। पाना सकी प्रभु अपना पंतक, देख न पाई सुखद सपन तक, तो कीनी तपस्या चौथे पंतक, पर छोड़ी नहीं प्रभु आस मिलन की, मरते दम उमरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं चार जन्म तक, चार जन्म नहीं जन्म जन्म, थोड़ी नहीं प्रभु त्रेता में पुनः जब अग्नि में समा गई। सुनिएगा वही वेदवती, और हमारे परम आदरणीय बड़े भाई और बुंदेलखंड कीर्तन स्थान समिति के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र तिवारी जी, आपका आशीर्वाद हम छोटे भाइयों पर सदैव बना रहता है, ये श्री कृपा का आशीर्वाद मिला है, चरणों में नमन है। और हमारे रामकिशोर जी पटेल क्योंकि हमारे साथ में आए हैं, जसंतपुरा पन्ना जिला से यहाँ कीर्तन सुनने के लिए आए हैं, आपकी ओर से दो सही प्रकार प्रदान किए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है।
तपस्या भगवान भोलेनाथ की। प्रकट हुए प्रकट हुए पंचानन पाई पांच पति मृग नैनी। भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, कहा बांगलों पर कहा प्रभु पति चाहिए। पांचों मुखों से यो मस्त बोला गया और फलस्वरूप को उसी वेदवती को पांच पति पाने का वरदान मिला। द्वापर में वही वेदवती द्रौपदी के रूप में प्रकट होती है अग्नि से ही। प्रकट हुए पंचानन पाए पांच पति मृग नैनी। यज्ञ कुंड से पैदा हुई तो नाम पड़ा यज्ञ से। पांच पति तो मिल गए लेकिन जिससे लगन सतयुग से लगी है वह अभी भी नहीं मिला। जब वरदान फलस्वरूप पांच पति मिले पूर्णतः निर्वाण किया द्रौपदी ने। साथ निभाया हर संकट पहुंच बनाई हर कंटक तक। और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद लखनऊ से पधारे हमारे बड़े भैया आदरणीय दादाजी सतीश वर्मा जी, आपके उससे 101 रुपए का यह आशीर्वाद प्रदान हुआ है। हृदय से धन्यवाद है, नमन है। और परम आदरणीय दादा राजीव मिश्रा जी लखनऊ से जो पधारे हैं, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद मिला है, उनके चरणों में नमन है। हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। सुनिए तक। जब तक व्यंकटेश भगवान उनको प्राप्त नहीं हो गए, बने सहाय के श्री व्यंकट तक छोड़ी नहीं प्रभु आस मिलने की। मरते मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं चार जन्म तक, चार जन्म नहीं जन्म जन्म थोड़ी नहीं प्रभु भगवान विष्णुपति रूप में नहीं मिल पाए। वही वेदवती प्रेम प्यासी yeah!
वही वेदवती पद्मावती के रूप में पैदा हुई। जैसे त्रेता में सीता को सोने का हल चलाने के बाद सीता निकली, उसी प्रकार से पद्मावती भी सोने का जब हल चलाया गया तो सीता उसकी नोक से निकली। प्रेम प्यासी परमेश्वर की प्रेम पगी पद्मावती। कलयुग में वही भगवान प्रेंकटेश पर बन कर आए, नीति निभाई रमापति हो। भगवान प्राप्त हुए क्यों नहीं होंगे? जब इतना अटल विश्वास होगा किसी का तो भगवान को निश्चित प्राप्त होंगे। कीनी प्रतीक्षा है उस क्षण तक, एक युग नहीं चार युग तक वेदवती ने भगवान को पाने की प्रतीक्षा की। कीनी प्रतीक्षा है उस क्षण तक, तीन भय प्रणय पूर्ण प्रणय तक, प्रभु से पानी ग्रहण। भले सतयुग से कलयुग में प्राप्त हुई प्रभु की, सरदम प्रभु से पानी ग्रहण, थोड़ी नहीं प्रभु से मिलन की मरते मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं चार जन्म तक, चार जन्म नहीं जन्म जन्म छोड़ी नहीं प्रभु आस मरते छोड़ी।